मेरा नाम रवि है और मैं अबोरन बॉटअप इन दिल्ली इटसेल्फ। ये मैंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद स्टार्ट किया इस पेंडेमिक के दौरान, जब आई लॉस्ट माई जॉब, देन आई थॉट आई हैव टू स्टार्ट समथिंग। सो इट टुक मी 3 मंथ्स टू गिव अ थॉट कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, तब जाके मैंने फिर ये स्टार्ट किया। तो यानी लॉकडाउन के अंदर जब मैंने अपनी जॉब खो दी फिर मैंने स्टार्ट किया। आज हैं हम नोएडा में सेक्टर 19 की ए ब्लॉक मार्केट में मदर डेयरी के पास, और हम हैं कहाँ, हम हैं राउंड द कॉर्नर, जो कि रविकांत चलाते हैं। अब बेसिकली ये उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया है, एंड इट इज़ अ एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जहाँ पे उन्होंने अपने टफ टाइम को भी होते हुए कैसे ओवरकम करने की कोशिश की है, ये अमेजिंग है। सो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे ही कि उनकी जर्नी कैसी रही एंड व्हाट इज़ हिज स्टोरी। मैं टूरिज्म सेक्टर में था, वेर आई यूज टू मेक पैकेजेस फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू इंडिया, लाइक जो लोग बाहर से आते हैं मैं उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता था। और इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर ही अफेक्ट हुआ, एंड आई एम इन द इनबाउंड सेक्टर, सो लाइक इट्स नॉट अबाउट मी, देर आर 1000 lakhs पीपल अराउंड इन द वर्ल्ड हु अफेक्टेड, बट मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो अफेक्टेड। सो मैं उससे पहले बस टूरिज्म सेक्टर में था जहाँ पर मैं जॉब करता था। Because I love cooking and I always wanted to have my own cafe. So it's like my passion. So जब मैं job में था मैं हमेशा चाहता था कि मेरा एक cafe हो, but during job मुझे कभी time नहीं मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया, but इस pandemic ने मुझे एक मौका दे दिया अपनी dreams fulfill करने का, not in that way कि मैं अपना cafe खोल पाऊँ, ठीक है इस तरीके से सही, but मैंने खोला ज़रूर, क्योंकि फूड इज़ लाइक माई पैशन और आई लव कुकिंग, क्योंकि इट्स माई ओन वेंचर और ये मेरा खुद का है। और मैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं हमेशा से मेरा ड्रीम था कि एक कैफ़े खोलना, और ये मेरा एक ड्रीम फुलफिल हो गया है। और कुकिंग मैंने बताया कि जैसे मुझे अच्छा लगता है कुक करना, तो इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे मैं कितना भी थका हूँ अगर मैं इधर काम कर रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि अर्लियर आई यूज टू गेट माई पैकेज इज ऑल अबाउट लाइक 7 lakh पर एनम, और अभी तो मैं उसका 1/3 भी नहीं ले पा रहा हूँ। बट सी, जब कोई ऑप्शन नहीं होता यू कांट सिट एट होम, लाइक आई कांट अफोर्ड सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, तो कुछ ही सही बट इसके अंदर खुशी भी मिल रही है, तो आई एम हैप्पी इन दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू लाइक स्टॉप माई दिस वेंचर, ये ज़रूर चलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का वेंचर स्टार्ट हुआ है, ये मेरा ड्रीम था, मैं इसको बंद नहीं करने वाला। किसी भी चीज़ के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला फॉर श्योर। ये बहुत टफ था क्योंकि सी, मैं इसी सेक्टर का रेजिडेंट हूँ, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट अप योर ओन वेंचर लाइक इस तरीके से, जहाँ पे आप कस्टमर बन के घूम रहे हो उधर ही आप एक दुकान टाइप का, यानी एक छोटा सा स्टॉल लेके घूम जाओ, तो लोगों की नज़रें थोड़ी सी होती है, बट इधर पीपल आर टू सपोर्टिव। शुरुआत के 2 दिन इट्स लाइक बहुत टफ था, बट यस, जब आपको करना है तो करना है, बस और कुछ नहीं है। मुझे सपोर्ट जितने भी लोग इधर आते हैं, और इधर मेरे सेक्टर के लोग, RW का बहुत अच्छा रोल था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इधर जितने भी लोग खाने आते हैं ना उन सब का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यानी शुरुआत में मैं बिल्कुल नया था क्योंकि मैं इस लाइन से नहीं बिलोंग करता, बट उसके बावजूद भी है ना दे वेटेड काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ एक ऐसा नहीं कि उनके पास टाइम, खाली टाइम था, जस्ट दे जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट मी, इसलिए वो बहुत टाइम तक इधर खड़े रहे, उन्होंने यानी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। इन माई मेन्यू आई ऑफर बर्गर, सैंडविचेस एंड शेक्स एंड फुटलॉन्ग्स एंड कॉफ़ी, यस। माई डॉटर इज़ देयर, माई वाइफ इज़ देयर, लाइक दे ऑल आर देयर टू सपोर्ट मी ऑलवेज, और
शी इज स्टडिंग इन लाइक सेवन्थ क्लास इन कैम्ब्रिज, बट वो सारा टाइम शी इज लाइक माय बैकबोन सारा टाइम सी. तो यू आर ब्लेस्ड. यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड. लाइक इट्स लाइक वन मैन आर्मी. आई एम द ओनली वन हु इज मेकिंग ऑल द सैंडविचेस. हाँ, मैंने अब इनको सिखा दिया. नाउ मेरी बेटी शेक बहुत अच्छे बनाती है. माय वाइफ दे आर लाइक वो शेक्स वगैरह बहुत अच्छे बना लेती हैं. तो यस, मैंने कोई हेल्पिंग हैंड नहीं लगाया क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा इनकम है नहीं कि मैं अभी किसी को अफोर्ड कर पाऊँ. बट यस, एंड ऑफ द डे सी, जब आपको कुछ कर इतना वो नहीं हो पा रहा तो आपको खुद ही करना है. तो इस वजह से मैंने भी कोई हेल्पिंग हैंड रखा नहीं हुआ. पहले जब न्यूज़ में आया था तो लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड था. उसके बाद सस्टेन करना, कस्टमर सस्टेन करना, इट्स अबाउट ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर टेस्ट एंड अबाउट योर थिंग्स. आज मेरे पास रिपीटेड क्लाइंट्स हैं और आई एम हैप्पी इन दैट. यानी हो सक स्विगी जोमेटो मैं तब करूँगा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँगा. तो जब मेरे पास हेल्पिंग हैंड हो जाएगा तो मैं स्विगी जोमेटो पर भी कर लूँगा. बट अभी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको मुझे वो केटर करना होता है. माई नेम इज़ नव्या एंड आई एम 12 ईयर्स ओल्ड. आई स्टडी इन केमिस्ट स्कूल नोएडा एंड आई एम इन 7th क्लास. स्टॉल के बारे में, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था मैं तब से ही यहाँ पर हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आते हैं. मतलब हम लोग अब साथ साथ करते हैं सारे काम. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा ऑकवर्ड सा फील होता है. मतलब बहुत लोग मुझे पूछते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऑकवर्ड सा फील होता है बल्कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर करके. या इट्स डिलीशियस एंड इट्स लाइक वी कैन हैव इट ऑफनली. वी कैन कम, द प्राइस रेंज इज गुड, द फूड क्वालिटी इज गुड एंड द पीपल आर रियली कमिंग गुड, राइट? एंड यू रिकमेंड दिस प्लेस टू पीपल. So, how do you find it? How do you find the food? Food quality is good. Awesome. So, enjoy over here. Yeah. And you'd recommend it, right? Yes. Okay, thanks. इन्होंने बहुत, मतलब मैंने जब देखा था ना तो भैया ने, मतलब भैया का स्टार्टअप ना बहुत लो था. मैंने इनको एक ही बात बोली थी, मैं कहा भैया अगर किसी चीज़ को आपने स्टार्टिंग ली है ना तो इसको छोड़ना मत. मतलब स्टार्ट किसी चीज़ को अगर कर दिया है तो आप जहाँ तक इसको ले जा सकते हो, एंड तक जहाँ तक आपको लगता है कि इसका एंड हो सकता है इसको वहाँ तक लेके जाएंगे. सो यू गाइस कम हियर फ्रीक्वेंटली? आप लोग यहाँ अक्सर आते हो? या, डेली कम फ्रीक्वेंटली. एंड हाउ डू यू फाइंड इट? वी फाउंड इट गुड, सो दैट्स व्हाई वी आर रेगुलर कस्टमर ओवर हियर. एंड वुड यू रिकमेंड इट? डेफिनेटली. तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपके यहाँ सबसे अच्छी लगती है? कोल्ड कॉफी. रियली लाइक इट? थैंक्स. मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा, डोंट गेट डिप्रेस, फाइंड अ सॉल्यूशन. इट्स वेरी इजी टू गिव अप. सबसे आसान होता है गिव अप करना कि यार मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बस अब नहीं हो सकता. बट उस मुसीबत में से अपने आप को उभारना, उस चैलेंज को फेस करना, वो बहुत, उसी को निकालना है. क्योंकि मैं, मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि ये वक्त है ना गुजर जाता है, अगर अच्छा वक्त ज़्यादा दिन नहीं रहता ना तो बुरा वक्त भी ज़्यादा दिन नहीं रहता. तो ये निकल जाएगा, बस इस टफ टाइम को निकाल दो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप. डिप्रेस नहीं होना है, सोल्यूशन ढूंढना है, दैट्स इट. मैं सारी की सारी ब्रांडेड चीज़ यूज़ करता हूँ, लाइक वीबा. लाइक वीबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉसेस और मैं सिर्फ वो ही यूज़ करता हूँ. और हेल्थ के लिए सारी सब्जियाँ, सब कुछ है ना मेरा फ्रेश होता है. मैं डेली काटता हूँ, कुछ भी बच जाता है मैं रात को उनको गाय को खिला देता हूँ. वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सी इस पेंडेमिक में सिर्फ हम ही नहीं, जानवर भी बहुत परेशान हुए हैं. तो उनको कोई नहीं पूछता था. तो अगर आपको कभी भी कुछ भी हेल्प करने का मौका मिला तो आप वो ज़रूर करिए. तो मेरे जैसा मैं सैंडविचेस काटता हूँ तो उसके ब्रेड क्रम्स होते हैं, मैं वो रात को, हर रात वो खाना दे के आता हूँ. यस, थैंक यू.